हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ गोमती नदी के पुल पे हूँ इस समय। तो देखिए, ये गोमती नदी है और देखिए यहाँ पे तीन पुल है। अभी मैं दिखाऊंगी जिस पे मैं खड़ी हूँ, ये दूसरा और उसके आगे तीसरा पुल है। और ये देखिए, ये सब घाट बन रहा है। और उधर भी देखिए, सब साइड साइड से टहलने वाला बन रहा है और लोग बाइक से आ भी जा रहे हैं। और छठ यहाँ पे होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। पहले ये सब घाट नहीं बना था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शाही पुल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। पुल के साइड में इस तरीके से कॉटेज बना हुआ है और ये बहुत ही मजबूत पुल अंग्रेज़ों ने बनाया है। आपको पता ही है कि अंग्रेज़ लोग जो भी काम करते थे बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो ये देखिए, ये पुल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये शाही पुल है और ये जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश यूपी बनारस के बगल में ये जौनपुर है। और बहुत ही ऐतिहासिक शहर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पांच नदियाँ बहती हैं जिसमें से ये एक नदी गोमती नदी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत व्यू है। और कोहरा छाया हुआ है और इतनी ठंड में हम लोग आ गए हैं बस नदी किनारे आज घूमने टहलने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का शाही पुल है और बहुत ही मजबूत है ये। और कहीं भी ऐसा दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना खूबसूरत यहाँ पे है। और पुल के किनारे इस तरीके से कॉटेज भी एक अनोखा ही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पुल के दूसरी साइड में आ चुके हैं और इधर का व्यू भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत बन गया है। और वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो विंध्यवासिनी का मंदिर यहाँ पे बना है। और जौनपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, साईं बाबा, मैहर देवी, सभी मंदिर यहाँ पे हैं फ्रेंड्स। और देखिए दोनों साइड में इन लोगों ने बना दिया है। और इधर तो पहले का ही बना हुआ है ये, जहाँ पे छठ होता है। तो देखिए, ये शाही पुल और ये गोमती नदी है फ्रेंड्स। तो मैं कॉटेज जो ये साइड में बना है उसके नीचे से ही आपको दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं इस तरीके का नज़ारा है। ये ओलंदगंज में है, आप देख सकते हैं। और कई बार फ्रेंड्स यहाँ पे बाढ़ भी आ चुका है इस नदी में, तो हम लोगों ने तो नहीं देखा है बाढ़ का रेस, लेकिन बाकी लोग बताते रहते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नदी के किनारे बना हुआ है और इन लोगों ने दुकान किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है कि इन लोगों की रोजी रोटी भी इस तरीके से चल रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। दोनों साइड का मैं दृश्य आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह जौनपुर है, तो मैं किसी दिन ले चलूँगी और यहाँ का किला भी आपको दिखाऊँगी फ्रेंड्स। तो ये जौनपुर है शहर और बनारस के बगल में ही है और बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, आप देख सकते हैं। और ये यूपी में है, बनारस के बगल में है फ्रेंड। तो सब कुछ बताना ज़रूरी रहता है, नहीं तो कई लोग पूछते हैं कि ये है कहाँ पे। तो मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। और देखिए इन लोगों ने दुकान वगैरह लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सभी लोगों की रोजी रोटी फ्रेंड्स चलना चाहिए। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और काफ़ी मजबूत है। इस तरीके का दृश्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे अभी तो तीन पुल बना हुआ है ओवर ब्रिज, और सबसे पहला जो ब्रिज है ये यही है जो कि ओलंदगंज में है, आप देख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का फ्रेंड्स, गोमती नदी किनारे, और ये शाही पुल है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।